भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं, भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम हो जाते हैं और अक्सर पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। और इन दिनों एक बार फिर पवन भैया सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह है राजनीति। दरअसल बीते सोमवार यानी कि 4 सितंबर को कतर से लौटने के बाद पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि इसकी जानकारी पवन सिंह के कुछ करीबी लोगों के अलावा ज्यादा लोगों को नहीं थी। पवन को पार्टी में शामिल होने का गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को देखें तो सुपरस्टार सत्ता में आने के बाद फिल्मों में आने का काम कर देते हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुपरस्टार पवन सिंह भी अब फिल्मों में काम करते हुए नहीं नजर आएंगे। यानी कि हो सकता है कि अब सुपरस्टार पवन सिंह और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की जोड़ी अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाती हुई नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।